सात दिन से यह समन्वय की बैठक हो रही है। ये बैठक किसके लिए थी? आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी तीन दिन से हैं, सात दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा चुपचाप बंद कमरे में। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है, हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के, 15 राज्य, कितना है, 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस पूछ ही नहीं रहे। तो आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे, आखिर एक हफ्ता तक क्या मंथन कर रहे हैं, तीन दिन तक क्या मंथन हुआ? मुख्य रूप से बात यही है कि इनके बीच में जो खाई पटी है उसके ये परिणति है, और उसको अब आरएसएस इसको बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है। आरएसएस के लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, अब बीजेपी दूसरी तरफ ले जा रहा है। समन्वय क्यों, किस बात का समन्वय? तीन दिन तक समन्वय किया बंद कमरे में, तो उसको बताओ तो। हिंदुत्व के बारे में सब ऐसी भाजपा वाले बयान देते रहते, लेकिन तीन दिन तक के बंद कमरे में जो मंथन हुआ उसके बारे में बताना चाहिए। मैंने निमंत्रण दिया था भाई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चलो, कौशल्या माता के दर्शन कर लो, निमंत्रण क्या सार्वजनिक रूप से बोले और कैसे, उसके लिए पर्चा बांटना पड़ेगा कोई? इसी माध्यम से दिया, यहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर दर्शन करने वहीं कोई कार्यक्रम होगा तो निमंत्रण देंगे। आप दर्शन करने जाइए, दर्शन करने जाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र छपा जाता है? कोई नवरात्रि चल रहा है तो फिर ठीक है भाई, हमारे यहाँ जमारा बोया गया है, निमंत्रण है ना, उसका निमंत्रण दिया जाता है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल चल रहा है, उसके लिए क्या निमंत्रण के, नए स्कूल उद्घाटन करना, उससे उद्घाटन कराने के लिए नहीं बुलाया मैं। गौठान चल रहा है, उद्घाटन करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, देखने के लिए बुला रहा हूँ, देखने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं होता।